मैं अनुभूति तिवारी ओम गुरुकुल एकेडमी से आज आपके लिए कंजंक्शन का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। तो बच्चों, पहली बार हम लोगों ने जो पढ़े थे कंजंक्शन वो थे एज सून एज, नो सूनर, हार्डली, लेस्ट, इफ, अनलेस, इवन इफ, इनको पढ़ा था। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसमें पहला जो है वो है दैट। देखिए, पहली बात आपको जो याद रखनी है, समझनी है कि हम मेनली दैट का प्रयोग जो है वो फैक्ट्स के लिए करते हैं। दैट किस लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर फैक्ट्स। जैसे वी नो दैट द सन राइजेस in the east, तो the sun rises in the east, ये क्या है? ये एक फैक्ट है। और फैक्ट को ऐड करने के लिए, फैक्ट को जोड़ने के लिए हमने कनेक्टर लगाया है दैट। ये इसकी पहली इंफॉर्मेशन है। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझिए, जो कनेक्टर से जुड़ा हुआ पार्ट होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई और ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, वी नो। इस चीज को अगर हम थोड़ा सा आगे से समझें तो एक बहुत अच्छा रूल बनता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में ऑल, द सेम, ओनली, एवरीबडी, एवरीथिंग, या कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, तो भी कंजंक्शन जो है वो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये बात बहुत अच्छा रूल है। प्रिंसिपल क्लॉज में ऑल, द सेम, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री हो, एवरीबडी, एवरीथिंग हो, तो कनेक्टर जो हमारा यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? दैट। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल, मान लीजिए इनकरेक्ट सेंटेंस है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब इसमें आप एरर देखिए। देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज ये है, ऑल इज नॉट गोल्ड, और ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज रही विच ग्लिटर्स। अब प्रिंसिपल क्लॉज कंटेन्स द वर्ड ऑल, तो ऑल है तो क्या हमें कनेक्टर लगाना है? दैट। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू आर वेयरिंग द सेम शर्ट which you wore yesterday। अब देखिए, शर्ट के लिए लाइफलेस चीज है, शर्ट के लिए विच लगाना कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या चीज प्रिंसिपल क्लॉज में आपको गौर करनी है? द सेम। अब द सेम लगा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो कनेक्टर है वो विच नहीं होगा, क्या होगा? दैट होगा। ठीक है। जैसे आई हेट एवरीथिंग विच रिमाइंड्स मी ऑफ माई पास्ट। तो अगेन बात देखिए, एवरीथिंग लगा हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो विच से स्टार्ट नहीं होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो स्टार्ट होगी वो दैट से होगी। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक विच आई हैव ever read। अगेन देखिए, दिस इज द बेस्ट बुक विच आई हैव एवर रेड। नाउ बुक के लिए विच गलत नहीं होगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री लगी है द बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री लगी है तो रिलेटिव क्लॉज दैट से चालू होगी। तो दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, ये आपका करेक्ट सेंटेंस बना जा करके। अगला करेक्टर जो हम यूज कर सीखने जा रहे हैं वो है हु और हुम। देखिए समझते हैं, एक बेसिक समझिए कि हु क्या है। हु सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। जब हु आता है तो किसी सेंटेंस से ही, शी या दे को आप रिप्लेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक मैंने लिखा द लेडी who lives next door is a doctor। Now यहाँ पे देखिए, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है who lives next door। अगर इस who को देखें तो ये सेंटेंस देखें तो ये जो है सेंटेंस है she lives next door। नाउ यहाँ पर जो शी है इसे आपने रिप्लेस किया है हु से। तो द लेडी हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर, और हु लिव्स नेक्स्ट डोर में शी रिमूव हुआ है। जैसे और एक एग्जाम्पल लिखें, देखें आई नो मैनी पीपल हु आर टीचर्स। अब देखिए इस सेंटेंस के इस पार्ट को, हु आर टीचर्स, ये एग्जैक्टली क्या सेंटेंस रहा होगा, दे आर टीचर्स। आई नो मैनी पीपल, ये एक सेंटेंस रहा होगा, दूसरा रहा होगा दे आर टीचर्स। तो इस दे को रिप्लेस किया गया है हु से। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जब हुम आता है तो आप किसी सेंटेंस से हिम, हर या देम इनको आप हटाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, द लेडी हुम You wanted to meet is out of station। The lady whom you wanted to meet is out of station। अब इस एग्जाम इस सेंटेंस को देखिए, You wanted to meet, You wanted to meet, exactly इसके लास्ट में क्या रहा होगा, हर। तो जब ऑब्जेक्ट से मैंने हर हटाया तो इसके लिए कनेक्टिंग वर्ड जो आपका आया ऑब्जेक्टिव केस के लिए वो आया whom। तो who सब्जेक्ट को रिप्लेस करके आता है he, she, they को, और whom जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके आता है him, her या them को। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए आपको कुछ बेसिक बात है कि एक तो पहली बात है कि जब आप who को यूज करते हैं तो बहुत कुछ संभावना रहती है कि इसके बाद वर्ब आएगी, लेकिन यही इकलौता रूल आप फॉलो नहीं कर सकते। थोड़ी सी बात आपको और भी देखनी है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, अभी पिछला ही आप एग्जाम्पल देख लें पहले एक बार, ये देखिए हु लिव्स, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी वर्ब थी। दूसरा देखते हैं, जैसे द गेस्ट, हु या हुम वी वर लुकिंग फॉर, हैव अराइव्ड। ये एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। यहां थोड़ी सी पहले एक बात समझ लीजिए, हु के बाद वर्ब आती है और हुम के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। इस बात को आप आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि जो आप हु लाते थे वो आप ही शी दे यानी सब्जेक्ट को हटा के लाते थे, तो ही शी दे के बाद क्या रहा होगा, वर्ब ही रही होगी, तो हु के बाद वर्ब आनी चाहिए। और हुम के बाद क्या आना चाहिए, हुम जो है वो हिम हर और देम को हटा के लाते थे, तो वो ऑब्जेक्ट हटा के लाते थे, तो हुम के बाद डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो हुम के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आई। लेकिन एग्जाम में बस एक बात याद देखनी है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब दी भी गई है, अगर हुम के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दी गई है, लेकिन बाद में कोई एक्स्ट्रा वर्ब आ जाए जिसके पास सब्जेक्ट ना हो, तो हु ही लगाते हैं। पहले तो ये देखिए, ये हुम का केस है कि हु का है, तो देखिए द गेस्ट और ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ से रिमेनिंग क्लॉज पूरी हुई, हैव अराइव्ड। एक सेंटेंस क्या था, द गेस्ट हैव अराइव्ड, और दूसरा क्या इसमें पार्ट है, वी वर लुकिंग फॉर देम। तो इसमें कोई हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है जिसको कि मैंने इसमें रिप्लेस किया हो, तो सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे वर्ब हैं, तो यहाँ पर आपका हुम करेक्ट है, यहाँ पर हु करेक्ट नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस में एक ट्विस्ट देखिए, द गेस्ट फिर अगेन है हु या हुम, दे वर waiting for have arrived are my friends। The guests who whom they were waiting for have arrived are my friends। अब देखिए वही केस है, बिल्कुल उसी से है, बट इसमें क्या यहाँ पे ऐड हुआ है, are my friends, ये सेंटेंस का पार्ट ऐड हो गया। अब सेम सिचुएशन है, the guest ये सब्जेक्ट के लिए वर्ब हो गई, have arrived, और ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस दे रखा है, they were waiting for, या यहाँ पर मैंने we कर दिया था पिछले सेंटेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी वर वेटिंग फॉर या दे फॉर वेटिंग फॉर। इंपॉर्टेंट इस सेक्शन पे गौर करिए, आर माई फ्रेंड्स, इस आर वर्ब के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो कि बिना सब्जेक्ट के है, तो इट डजेंट, और आपके पास यहाँ पे सिचुएशन है कि आप हु लगा रहे हैं या हुम लगा रहे हैं, तो हमारा हु को प्रेफरेंस मिलेगी, यहाँ पर हुम यूज नहीं होगा। ये बात याद, दोनों सेंटेंसेस को आप प्रॉपरली समझ लीजिए कि ठीक है हुम के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आती है, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर कोई एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो भले ही बाद में सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, लेकिन आपको हुम नहीं लगाना, हु लगाना है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए देयर इज मिस्टर शानू हु या हुम दोनों ले लेते हैं अभी, दे से इज अ वेरी गुड सिंगर। अगेन वही बात आ गई, देखिए एक पार्ट ये कंप्लीट है, देयर इज मिस्टर शानू, देयर के लिए वर्ब आपने इज लगा रखी है। अब हु या हुम को हम सेलेक्ट करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद है दे से, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अब लास्ट का जो पार्ट है, इज अ वेरी गुड सिंगर, यहाँ इसके पास कोई भी सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसके पास सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है और आपको हु या हुम में एक चॉइस करनी है तो ऑलवेज गो विद हु। तो हु दे से इज अ वेरी गुड सिंगर। ठीक है, ये जो दे से है अक्सर आपको ये आप एक्स्ट्रा भी याद कर सकते हैं। हु दे से ऐसा लिखा होगा, आई फील ऐसा लिखा होगा। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ये फेक फ्रेज हैं, फेक फ्रेज। इसके बाद जो है वो एक्चुअली वर्ब जो है वो हु की, उसके लिए हु जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा। तो इस लास्ट पार्ट को जरूर देख लीजिए कि सेंटेंस के लास्ट पार्ट में वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो भले ही हु वहाँ पे हुम के बाद सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन वो फेक फ्रेज होगा और एग्जैक्टली जो वर्ब आपकी आएगी वो जो करेक्टर आपका आएगा वो हु आएगा। एक कंपैरिजन यहाँ पर इफ और दैट, इफ और वेदर के बीच में देख लीजिए, ये भी पेपर में काफी आता है। ठीक है, कि इफ लगेगा या वेदर लगेगा। देखिए पहला पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि अगर वेदर है तो लास्ट में और नॉट हो सकता है, या आप इसको ऐसे समझें कि और नॉट से अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो फिर दैट नहीं लगेगा। जैसे आई डोंट केयर, whether you pass or not। इस केस में अगर और नॉट दे रखा है और यहाँ एग्जाम में दे रखा है आई डोंट केयर इफ यू पास और नॉट, तो ये 100% गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर कभी भी इफ का प्रयोग नहीं करेंगे अगर सेंटेंस और नॉट से यू एंड हो रहा है। तो पहली बात तो यही याद रखनी है कि अगर सेंटेंस और नॉट से एंड हो रहा है तो आप इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, वेदर के साथ और नॉट आता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में डाउट शब्द है, या नॉट श्योर है, तो इफ का तो वेदर ही लगेगा। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे आई डाउट, या इसमें नॉट श्योर लिखिए, एक ही बात है। अगर सॉरी नॉट श्योर लिखेंगे तो फिर आई एम नॉट श्योर ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आई डाउट या आई एम, एक मिनट, I am not sure that he is at home। तो यहां पर वही बात आ गई कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में डाउट वर्ड आया हुआ है या नॉट श्योर वर्ड आया हुआ है तो रिलेटिव क्लॉज दैट से चालू नहीं होगी, या यहाँ पर इफ़ लिखा है तो इफ़ से भी नहीं स्टार्ट होगी। ये जो है सेंटेंस वो वेदर से स्टार्ट होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज वेदर से स्टार्ट होगी। तो ये पहली बात याद रखिएगा, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिंसिपल क्लॉज में अगर डाउट है या नॉट श्योर है तो रिलेटिव क्लॉज इफ़ या दैट से स्टार्ट नहीं होती, वो वेदर से स्टार्ट होती है। यहाँ पर ये सेंटेंस एक छोटा सा और देख लीजिए। जैसे आई डू नॉट डाउट, That he is at home। अब देखिए एकदम से बच्चे को याद आता है कि ये मैंने भी बताया और आपकी बुक्स भी जो आपके पास रहती है उसमें भी लिखा रहता है कि डाउट के साथ जो है वो दैट नहीं लगता या इफ नहीं लगता है। लेकिन अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि इसमें लिखा है नॉट डाउट। नॉट डाउट का मतलब क्या है? श्योर है। तो अगर नॉट डाउट है तब तो दैट आ ही जाएगा, तब तो इस सेंटेंस में ये नो एरर है, सही है सेंटेंस ये। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज में डाउट वर्ड हो या नॉट श्योर वर्ड है तब तो हम दैट नहीं लगाते हैं या वेदर भी नहीं लगाते हैं, सॉरी इफ नहीं लगाते या दैट नहीं लगाते हैं, वेदर ही लगाते हैं। लेकिन अगर नॉट डाउट है, दैट इज का मतलब श्योर है और श्योर है तो फिर दैट लग जाएगा। तो बच्चों ये आपके मेन जितने भी कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस थे वो कंप्लीट करा दिए। अब हम लोग एक नज़र कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस पर भी डालते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो पहला जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एंड। देखते हैं एंड को। देखिए एंड के साथ में छोटी छोटी एरर्स रहती है, मेनली जो एरर्स हैं वो वर्ब से जुड़ी हुई हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो रूल कहता है, जो पहला रूल बताता है वो ये बताता है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और ये जो सब्जेक्ट हैं वो आपके प्रॉपर नाउन हैं, दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो प्रॉपर नाउन हैं, तो अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो जो वर्ब इस सेंटेंस में आती है वो प्लूरल आती है। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, राम एंड श्याम आर गोइंग। चलिए कुछ नहीं है इसमें, दो सब्जेक्ट अगर और सब्जेक्ट अगर प्रॉपर नाउन है और वो एंड से जुड़े हैं तो वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका दूसरा पार्ट देखिए कि अगर कॉमन नाउन है, इन केस ऑफ कॉमन नाउन दो सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से जुड़ते हैं और उनमें आर्टिकल का यूज़ होता है, मोस्टली दा का यूज़ होता है लेकिन कभी कभार ए एन का भी यूज़ हो सकता है। तो अगर आर्टिकल का यूज़ है और दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज़ है तो भी वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे बेसिक एग्जाम्पल है, जैसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर इन द क्लास। द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर इन द क्लास। तो ये सेंटेंस बेसिकली ये कहना चाहता है कि क्लास के अंदर दो लोग हैं, एक प्रिंसिपल हैं और एक टीचर हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग आपने आर्टिकल दे दिया। रूल का सेकंड पार्ट कहता है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन आर्टिकल आपने एक ही बार लगाया है, आर्टिकल रिपीट नहीं हुआ है, तो वर्ब जो है वो आपकी सिंगुलर आती है। और ये भी बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े और आर्टिकल का प्रयोग आप एक बार कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो दो पर्सन एक ही है उसके पास डेजिग्नेशन दो दो हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर इज इन द क्लास। तब ये देखिए दो लोग नहीं हैं, प्रिंसिपल साहब ही जो हैं वो टीचिंग कर रहे हैं, प्रिंसिपल ही कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो यहाँ क्लास में दो लोग नहीं हैं। यहाँ ये से इंडिकेट कर रहा है कि क्लास में दो लोग हैं, द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर इन द क्लास। और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि प्रिंसिपल ही टीचर है, ही हिमसेल्फ टीचिंग अ सब्जेक्ट। तो द प्रिंसिपल एंड टीचर इज इन द क्लास। तो ये एंड के साथ है, ठीक है। कुछ और एक दो बातें आप देख सकते हैं इसमें। देखिए ये जो कंसेप्ट है कि अगर आर्टिकल रिपीट हुआ है तो वर्ब प्लूरल होगी और आर्टिकल अगर एक बार आया है तो वर्ब सिंगुलर होगी, ये बात तो सही है। लेकिन कई बार आपको ये सोचना भी पड़ता है कि वर्ब जो है, मतलब वर्ब नहीं बल्कि आर्टिकल हटाना पड़ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एक देखिए, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस होटल इज ए नाइस पर्सन। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस होटल इज अ नाइस पर्सन। अब यहाँ पे देखिए आप वर्ब और ऑब्जेक्ट पार्ट लीजिए, इज अ नाइस पर्सन। अब अगर कोई एकदम से ध्यान नहीं देगा, उसे लगेगा कि मैनेजर के पहले आर्टिकल दा लगा है, एग्जीक्यूटिव के पहले भी आर्टिकल दा लगा है, तो यहाँ पे वर्ब को आर कर दें। लेकिन जब आर करेंगे तो अगर ये इस टाइप से सेंटेंस को हम कर दें, यहाँ पर सिर्फ आर कर दें, ये सेक्शन आपने बोला कि सेक्शन 2 में एरर है, पार्ट 2 में एरर है, तो यहाँ पर आर कर दिया तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेक्शन सी में भी अ नाइस पर्सन की जगह आर नाइस पीपुल करना पड़ेगा, और आप दो जगह तो एरर नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस की डिमांड है कि आप इस आर्टिकल को यहाँ से रिमूव करें। इस सेंटेंस की ये डिमांड है कि इसमें आर्टिकल को आप यहाँ पे रिमूव करें। तो हमेशा आप इस तरह से इसको याद नहीं रखेंगे कि दो बार आर्टिकल आया है तो वर्ब प्लूरल होगी, एक बार आर्टिकल आया है तो वर्ब सिंगुलर होगी। कभी कभी आपको आर्टिकल इंसर्ट भी करना पड़ सकता है और आर्टिकल रिमूव भी करना पड़ सकता है। आपको यहाँ पे वर्ब को हर बार वर्ब ही गलत होगी ऐसा नहीं है। एक और देखिए एग्जाम्पल, जैसे द एब एंड टाइड आर नाउ अंडरस्टूड। द एब एंड टाइड आर नाउ अंडरस्टूड। अब आप इसको देखिए, अगर हम पहले देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक बार आर्टिकल लगा हुआ है और वर्ब प्लूरल लगी हुई है तो वर्ब गलत है, इस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एब इज अंडरस्टूड एंड टाइड इज अंडरस्टूड। एब इज अ डिफरेंट थिंग, पानी के उतरने को एब कहते हैं और टाइड पानी के चढ़ने को समुद्र में, दैट इज कॉल्ड टाइड। तो ये दो चीज़ों को अलग अलग चीज़ें हैं जिनको अलग अलग समझा गया है, अलग अलग समझा गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक ही हैं। जैसे जब हमने कहा था द प्रिंसिपल एंड टीचर तो वो एक पर्सन था, लेकिन जब मैंने बोला था द प्रिंसिपल एंड द टीचर तो वो दो लोग थे। उसी तरह से यहाँ पर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव एक पर्सन है, क्योंकि वो सेंटेंस के सेकंड और थर्ड पार्ट इंडिकेट कर रहा है कि वो एक पर्सन है। लेकिन यहाँ पर एब इज़ डिफरेंट एंड टाइड इज़ डिफरेंट, तो यहाँ पर आपको वर्ब नहीं, इसमें सेक्शन फर्स्ट बिगनिंग में ही एरर है और आपको यहाँ पर आर्टिकल दा को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो रूल तो फाइनली हर जगह फॉलो होगा कि दो बार अगर आर्टिकल लगा है तो वर्ब प्लूरल है, एक बार आर्टिकल लगा है तो वर्ब सिंगुलर है। लेकिन आप इसको हमेशा से इस तरह से नहीं देखेंगे कि दो आर्टिकल हैं, दो बार आर्टिकल आया है तो मैं वर्ब को प्लूरल कर दूँ, या एक बार आर्टिकल आया है तो वर्ब को सिंगुलर कर दूँ। दो बार आर्टिकल आया है तो हो सकता है कि दूसरा आर्टिकल आपको हटाना पड़ जाए, एक बार आर्टिकल आया है तो हो सकता है कि आपको आर्टिकल बढ़ाना पड़ जाए। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। अगला देखते हैं। देखिए एक लास्ट में इसमें है कि अगर कोई कंपाउंड सब्जेक्ट है जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, तो कंपाउंड सब्जेक्ट भी जो हैं अगर एंड से जोड़ के बने हैं तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। वर्ब को क्या है, सिंगुलर वर्ब जो हैं ये लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे ब्रेड एंड बटर is my breakfast? Bread and butter is my breakfast. ठीक है. Rice and curry is eaten in India. Is eaten in India. ठीक है. तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी. लेकिन अगर किसी वजह से ये दो सेपरेट आइटम की तरह से यूज हो रहे हैं तो हमें वर्ब को प्लूरल करना पड़ेगा. जैसे एक एग्जांपल देखिए, किसी शॉप पे लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर. आर सोल्ड हियर. अब यहां पे आप देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करिए. ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट. सो सिंगल का यूज नहीं है. खाली ब्रेड दे दें और बोले बटर नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. किसी दिन सिर्फ बटर पड़ा है और ब्रेड नहीं है तो वो भी एज ए ब्रेकफास्ट एक्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन आप शॉप पे जाएंगे तो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर. आप उसको बोलेंगे मुझे खाली ब्रेड दीजिए तो ही विल गिव यू ब्रेड. अगर आप उससे बोलेंगे मुझे सिर्फ बटर चाहिए तो वो बटर भी आपको अलग से दे देगा. तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई. तो अगर दोनों को सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में आप देख रहे हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और अगर वो कंपाउंड सब्जेक्ट है एज अ वन यूनिट देखी जा रही है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी. एक और एग्जांपल देखिए, जैसे किसी होटल पे लिखा हुआ है राइस एंड करी आर चार्ज्ड सेपरेटली अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए, राइस एंड करी इज ईटन इन इंडिया. तो अगर सपोज कर लीजिए आप सब्जी चावल खाते हैं, अब किसी दिन सब्जी नहीं है सिर्फ चावल है तो वो खाना नहीं खाया जा सकता. सिर्फ चावल है और सब्जी नहीं है तो नहीं खाया जा सकता. सिर्फ सब्जी है और चावल नहीं है तो भी वो एक डाइट नहीं बनेगी. लेकिन अगर किसी होटल में जाते हैं और उसने लिखा कि राइस एंड करी आर चार्ज सेपरेटली, तो ये दो डिफरेंट है. आप चाहें तो उससे खाली राइस ले सकते हैं, आप चाहें तो उससे खाली करी ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं. तो ये देखने का है कि वो वन आइटम की तरह से ट्रीट किया जा रहा है या अलग अलग आइटम की तरह से ट्रीट किया जा रहा है. तो इनको आप देखिए. तो अगर कंपाउंड सब्जेक्ट है वन आइटम की तरह से ट्रीट हो रहा है तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है. कंपाउंड सब्जेक्ट है और वो दो अलग अलग आइटम की तरह से ट्रीट हो रहा है तो वो प्लूरल वर्ब लेता है. तो ये था आपका एंड. दूसरा देखिए बोथ एंड. छोटा सा कनेक्टर है लेकिन आपके बेसिक एग्जाम्स में हमेशा आता रहता है. पहली बात जो आपको याद रखनी कि बोथ इज फॉलोड बाय एंड. आपके एग्जाम में जो बोथ है उसके बाद वो एज वेल एज लिख देते हैं, तो ये आपको नहीं है. एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बोथ ही एज वेल एज हिज फादर वर इन द पार्टी. तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगता. बोथ के साथ जो सप्लीमेंट वर्ड है, जो कंप्लीट वर्ड करता है, वो एंड है. तो ये एज वेल एज गलत है और ये एंड आएगा. हमेशा जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट पार्ट में ये एरर बनाए, कभी कभी ऑब्जेक्ट पार्ट में भी इस एरर को बना देते हैं. जैसे आई वुड लाइक टू हैव बोथ द रेड और द ब्लू पेन। तो अगेन सेम प्रॉब्लम है कि बोथ के साथ आप और को यूज नहीं करेंगे। इस और की जगह व्हाट क्या हमको यूज करना पड़ेगा? एंड। तो पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सिंपल सा है और क्लियर हो गया आपको कि बोथ इज फॉलोड बाय एंड। बोथ के बाद एज वेल एज का यूज करना या और का यूज करना ये इनकरेक्ट है और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन पे आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो होती है कि जब आप बोथ एंड से दो सब जोड़ते हैं तो हम केवल दो सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। देखिए, तीन या तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो एंड जोड़ सकता है, एंड दो सब्जेक्ट को भी जोड़ सकता है और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को भी एंड जोड़ सकता है। लेकिन बोथ एंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही सब्जेक्ट को जोड़ सकता है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे बोथ हर विट चार्म एंड टैलेंट अट्रैक्टेड अस। तो देखिए, हर विट ये पहला सब्जेक्ट है, चार्म दूसरा सब्जेक्ट है और विट टैलेंट जो है ये तीसरा सब्जेक्ट है। तो अगर बोथ एंड लगा है तो सिर्फ और दो ही सब्जेक्ट आपस में जोड़ सकते हैं। अगर आप तीन सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा? रिमूव बोथ। यहां से आपको बोथ को हटाना है। तो ये बोथ के साथ एंड के साथ दूसरी पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट याद रखना है वो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि बोथ, वी डू नॉट यूज बोथ इन एनी नेगेटिव सेंटेंस। बोथ को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। तो अगर बोथ एंड लगा हुआ है या खाली बोथ आया और सेंटेंस में नॉट है तो बोथ रिमूव होगा। आप इसके एग्जाम्पल को देखिए, जैसे बड़ा बेसिक एग्जाम्पल एक लेते हैं, बोथ ही एंड हिज फादर वर not in the party। Both he and his father were not in the party। अब ये सेंटेंस कैसा है? निगेटिव एंड नॉट है और यहां पर आपको की बिगनिंग में बोथ लगा हुआ है तो ये इनकरेक्ट है। अब इसका पहला तो एक यही है कि अगर आप एरर की बात करें तो सेंटेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? रिमूव बोथ। लेकिन अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए तो जो हमारा बेसिक होता है कि डबल निगेटिव को हम नाइदर नॉर से जोड़ते हैं। तो बेस्ट तो ये है कि इसको आप रीराइट करें, ये हो जाएगा नाइदर ही नॉर हिज फादर वॉज इन द पार्टी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बोथ को हम निगेटिव स्टेटमेंट में यूज़ नहीं करते। अगर नॉर्मली अगर ऐसा कंडीशन है तो आप अगर ये एरर में आया तब तो आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, आप बोथ हटा दीजिए। लेकिन अगर ये इम्प्रूवमेंट में आया या किसी जगह हमें अपने पेन से खुद ही लिखना है तो वी शुड राइट इट इन दिस वे। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी इज आइदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग इफ नॉट बोथ। ये भी सेम एग्जाम्पल है, सेम रूल पे फॉलो करता है कि बोथ और नॉट एक साथ नहीं आते हैं। यहाँ पर बिल्कुल एक जगह है कि नॉट बोथ दोनों को रिमूव करिए और एक वर्ड जो ये यहाँ पर वर्क कर जाएगा वो है नाइदर। तो शी इज़ आइदर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, इफ़ नाइदर, वो या तो इंटेलिजेंट है या हार्ड वर्किंग है, यदि दोनों गुण उसमें नहीं भी हैं। तो ये बोथ एंड के साथ जो तीन रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अगला देखते हैं, एज वेल एज। देखिए पहली बात तो बड़ी सिंपल सी है कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वर्ब क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं तो वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट से आती है। जैसे द प्रिंसिपल, as well as the teachers is unhappy about the results। तो देखिए पहला सब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट कैसा है? द टीचर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट सब्जेक्ट को एग्री कर रही है, द प्रिंसिपल को। अगर इसी सेंटेंस को मैं रीराइट करूं तो देख लीजिए, द टीचर्स एज वेल एज the principal अब क्या हो जाएगा? आर अनहैप्पी। अब यहां पे गौर करिए, पहला सब्जेक्ट द टीचर्स है जो कि प्लूरल है, तो वर्ब जो है वो प्लूरल हो गई। तो एज वेल एज में ये बात है कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। एक और बात समझ लीजिए कि अगर आप मान लीजिए सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट है और दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, तो जो लास्ट ऑब्जेक्ट है वो एज वेल एज से नहीं जुड़ता, वो एंड से ही जुड़ेगा। जैसे द वर्ड दीज डेज इज फेसिंग बैड इकोनॉमी बैड वेदर एज वेल एज वॉर। तो ऑब्जेक्ट आप जोड़ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं तो देन इट्स ओके। अगर दो चीजें होती, बैड इकोनॉमी एज वेल एज वॉर या बैड वेदर एज वेल एज वॉर, तो ये एज वेल एज यहाँ पे वर्क होता। लेकिन आप तीन ऑब्जेक्ट जोड़ रहे हैं, बैड इकोनॉमी, बैड वेदर, तो एज वेल एज वॉर नहीं होगा, इट शुड बी एंड वॉर। तो ये आपके एज वेल एज के साथ था। जैसे बोथ एंड से दो सब्जेक्ट या से ज़्यादा नहीं जोड़े जा सकते, तीन या तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट जोड़ने के लिए आपको एंड का यूज़ करना पड़ा था, उसी तरह से एज वेल एज के साथ भी ये रूल है कि आप दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट जो है वो तो आप एज वेल एज से जोड़ सकते हैं, लेकिन आप तीन सब्जेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट हैं तो पहले दो लिख करके तीसरे को एज वेल एज से आप नहीं जोड़ सकते। अगला ग्रुप है, अगला जो कनेक्टर है वो है नॉट ओनली बट आल्सो। देखिए मेनली इस कनेक्टर से दो तरह से आप सेंटेंस को जोड़ते हैं। पहला क्या है कि दो सब्जेक्ट जिनका कोई कॉमन एक्शन हो, और दूसरा क्या होता है कि एक सब्जेक्ट जिसके दो एक्शन हो, एक्शन वन और एक्शन टू। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और उनका कॉमन एक्शन है तो आप उस केस में नॉट ओनली बट आल्सो को यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है कि एक ही सब्जेक्ट के दो डिफरेंट एक्शन हो तो भी हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करते हैं। दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी है, उनको देख लीजिए। देखिए अगर दो सब्जेक्ट जो हैं वो आप नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ रहे हैं तो क्या रूल बनता है कि आप नॉट ओनली लिखिए। और कैसे लिखा जाता है? नॉट ओनली लिखिए, पहला सब्जेक्ट लिखिए, बट आल्सो लिखिए, दूसरा सब्जेक्ट लिखिए, और वर्ब को सेकंड सब्जेक्ट से एग्री कराइए। बस ये बात आपको याद रखनी है। वर्ब एग्री टू द सेकंड सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं इसको वर्ब एग्री टू द नियर सब्जेक्ट। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल फटाक से देख लेते हैं। जैसे नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स आर हैप्पी। तो देखिए बट आल्सो के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आया है और वर्ब भी प्लूरल आई है। अगर मैं इसको उल्टा लिख के दूं तो क्या हो जाएगा? नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द प्रिंसिपल इज अनहैप्पी, या हैप्पी ले लेते हैं। ठीक, तो नॉट ओनली बट आल्सो किससे जब दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट को एग्री करती है, नियर सब्जेक्ट को एग्री करती है। अब दूसरा पार्ट देखिए इसका। देखिए जब कॉमन एक्शन हो, तब हम इसकी बात करते हैं। इसमें दो से पार्ट बन पाएंगे, या एक ही बात आप ध्यान कर लीजिए कि वर्ब भी कॉमन है कि वर्ब कॉमन नहीं है। जैसे मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, द लायंस आर फाउंड इन एशिया द लायंस आर फाउंड इन अफ्रीका। अब देखिए सब्जेक्ट सेम है, लायंस एंड लायंस, और वर्ब भी कॉमन है, आर फाउंड यहाँ पर भी है, आर फाउंड यहाँ पर भी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब लिखते हैं जो कॉमन वर्ब है, फिर नॉट ओनली लिखते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा है जो ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिख लेंगे, और फिर बट आल्सो लिख लेंगे, और सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सेंटेंस जुड़ कैसे जाएगा? लायंस, द लायंस are found not only in Asia but also in Africa ठीक। तो कॉमन पार्ट, अगर वर्ब कॉमन पार्ट है तो वर्ब को सब्जेक्ट के नॉट ओनली से पहले लिख देंगे। यही अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो क्या बनता है, इस वर्ब को बाद में लिख देते हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो ये होता द लायंस नॉट ओनली आर फाउंड इन एशिया बट आल्सो इन अफ्रीका। तो अगर कॉमन वर्ब है तो एक बार लिखी जाएगी और नॉट ओनली से पहले लिखी जाएगी। अगर वर्ब अलग अलग है, जैसे द रॉबर, द रॉबर्स रॉब द पैसेंजर्स, और दूसरा है द रॉबर्स वाउंडेड द पैसेंजर्स। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एक ही है, कॉमन सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंसेस का, एक्शन अलग अलग है और एक्शंस में वर्ब भी अलग अलग हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप नॉट ओनली लिखते हैं, फिर फर्स्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बट आल्सो लिखते हैं, और फिर सेकंड वर्ब और सेकंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये कैसे कनेक्ट होगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, द रॉबर्स नॉट ओनली रॉब द पैसेंजर्स but also wounded them। ये आपका बना। अब इसमें क्या एरर होगी, जब यहाँ पर एरर देनी होती है तो ये वर्ब को नॉट ओनली के पहले लिख दिया जाएगा। अगर यही एग्जाम में आता द रॉबर्स रॉब्ड नॉट ओनली द पैसेंजर्स बट आल्सो वाउंडेड देम, या कभी कभी नॉट ओनली बिगिनिंग में ही दे देंगे। जैसे देखिए नॉट ओनली, एग्जाम्पल देख रहा हूँ पेपर का कैसा क्वेश्चन आता है, नॉट ओनली द जज प्रेज द क्रिमिनल but also freed him अब यहां पर देखिए एक ही एक्शन एक ही सब्जेक्ट है द जज, और उसके दो एक्शन दे रखे हैं, प्रेज द क्रिमिनल और दूसरा क्या है फ्रीड हिम। बट आल्सो के बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है। तो अगर बैलेंस चाहिए तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आनी चाहिए। अगर हमें नॉट ओनली के बाद वर्ब लानी है तो हम क्या करें, नॉट ओनली द जज नहीं होगा, इट शुड बी द जज नॉट ओनली। अब अगर जज नॉट ओनली है तो सेकंड पार्ट प्रेज्ड आ गया, तो ये बैलेंस आ गया, नॉट ओनली के बाद भी वर्ब है और बट आल्सो के बाद भी वर्ब है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बैलेंस हो गया। तो ये आप पोजीशन देख लीजिएगा, नॉर्मली या तो दो सब्जेक्ट को जोड़ देंगे नॉट ओनली बट आल्सो से तो वर्ब एग्रीमेंट पूछ लेते हैं, या फिर आपको वर्ब की पोजीशन नॉट ओनली से इधर उधर कर देते हैं। तो एक बेसिक याद रखिएगा कि अगर बट आल्सो के बाद वर्ब है तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब होगी या नॉट ओनली वर्ब के पहले आया होगा। अगर बट आल्सो के बाद वर्ब नहीं है तो सेंटेंस की जो एकमात्र वर्ब रही होगी वो नॉट ओनली के पहले आ गई होगी। ये देखिए, जो सेंटेंस की एकमात्र वर्ब है वो नॉट ओनली से पहले आ जाएगी, और अगर बट आल्सो के बाद वर्ब है तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब होगी। अगला है आइदर आर, सेम चलता है। इसमें भी वही बात है कि दो सब्जेक्ट और सिंगल एक्शन, कॉमन एक्शन, या एक सब्जेक्ट होगा और उसके दो एक्शन होंगे। रूल्स नॉट ओनली बट आल्सो के बराबर ही चला करते हैं कि दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हैं तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगी, या फिर अगर एक सब्जेक्ट के दो एक्शन है तो कॉमन अगर वर्ब है तो वर्ब जो है वो आइदर के पहले आ जाएगी, वर्ब आइदर के पहले आ जाएगी और वो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इसी का अगला है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर में भी सेम रूल आते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट को एग्री करेगी, और अगर दो एक्शन जोड़ रहे हैं तो अगर कॉमन वर्ब है तो वो नाइदर से पहले आएगी, अगर डिफरेंट वर्ब है तो पहली वर्ब नाइदर के बाद आएगी और दूसरी वर्ब जो है वो नॉर के बाद आएगी। नाइदर नॉर को हम यूज़ कब करते हैं? डबल निगेटिव जोड़ने में। ठीक है, जैसे शी इज नॉट रिच, शी इज नॉट रिच, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। तो जब ये इस तरह से डबल नेगेटिव हो तो पहला नॉट हटके नाइदर आता है और दूसरा नॉट हटके नॉर आता है। कॉमन वर्ब है तो कॉमन लिखेंगे शी इज, अब पहला नॉट हटा तो नाइदर आएगा, शी इज नाइदर रिच, दूसरा नॉट हटके नॉर आएगा, नॉर ब्यूटीफुल। बिल्कुल लास्ट में अब हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, इसमें बस लास्ट पॉइंट है कि जो कनेक्टर आल्दो होता है उसके साथ जो सेकंड पार्ट है वो येट से स्टार्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन बट नहीं आता। जैसे ये सेंटेंस देखिए, आल्दो ही वर्क्ड हार्ड, बट ही फेल्ड। खूब आते हैं ये। तो यहां पर क्या है कि आल्दो से बिगिन हुआ है तो बट नहीं आएगा, आल्दो ही वर्क्ड हार्ड ही फेल्ड, या आप एट बेस्ट लिख सकते हैं कि आल्दो ही वर्क्ड हार्ड येट ही फेल्ड। और लास्ट पॉइंट इसका लिख लीजिए, जो है वो ये देख लीजिए, ये देखिए बस छोटी सी है कि इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, या डिस्पाइट। ये एक को आप यूज करेंगे, या तो आप इन स्पाइट ऑफ लिखेंगे या डिस्पाइट है। आप कई बार ऐसे सवाल देखेंगे डिस्पाइट ऑफ लिखा होता है, तो डिस्पाइट ऑफ इज नो एक्सप्रेशन, आइदर यू शुड यूज इन स्पाइट ऑफ और यू शुड सिंपली यूज डिस्पाइट। जैसे एक एग्जाम्पल देख देते हैं, डिस्पाइट ऑफ बैड Whether he came। तो अब ये सेक्शन में एरर है। अब चाहे आप इसको डिस्पाइट को हटा के इन स्पाइट ऑफ कर दें या सिर्फ ऑफ हटा लें। तो बच्चों, ये कनेक्टर के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन थी। लगभग सारे के सारे कनेक्टर्स हमने कन्वर्ट कर लिए हैं। इसके बाद हम इसकी कुछ शीट्स करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास किसी भी तरह की समस्या है, सुझाव देना चाहते हैं या लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में दिए गए नीचे लिंक नीचे दिया गया है उस पर जा कर के आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।